अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक हो गए? बढ़िया, मस्त चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है वहां? तो यहाँ तो फॉग नहीं चल रहा है, तो सुनो चल रही। देखिए जी, आज हमारे पास एक मस्त टॉपिक आने वाला है, बढ़िया है, बिंदास होने वाला है। फंक्शंस ऑफ ए नाउन, थोड़ा सा हम दिखाएंगे और थोड़ा सा आप कर लोगे। जी जी, देखिए जी, अब है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ए नाउन। नाउन कहां कहां पर फंक्शन करता है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे घूमता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो कैसे, वो क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे हमें देखना है फंक्शन ऑफ एन नाउन। ये जो नाउन है ये सेंटेंस में कहां कहां पर होता है। देखिए जी, पहला जो है, जो फंक्शन ऑफ नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, और इसी नाउन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? और इसी नाउन को हम यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जी, समझा रहा है? वेरी गुड सर। आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ ए नाउन। ये जो नाउन है ये एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी नाउन को हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी नाउन को एज ए कॉम्प्लीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, बढ़िया। और देखो यहां पर जो मैंने लिख डाला, द कार इज ऑन द रोड्स। एक कार है जो कि कहां पे है मित्रों? हाँ जी, रोड पे है। बढ़िया। यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज ऑन द रोड, रोड पे क्या है, तो आपका जो जवाब है वो सीधे आएगा, सर रोड पे तो क्या है, अगर ये व्हाट का जवाब, क्योंकि सर आपने हमें पढ़ाया है। हाँ जी, ये जो द कार है, तो यहां पर ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन। मगर अगर हम गौर से देखेंगे इस जुमले की ऊपर, अगर हम देखेंगे ये जुमले की तरफ, यहां पर जो मैंने लिखा है, ये एड्रेस लिखी है, ये सेंटेंस क्रिएट किया, द कार इज ऑन द रोड। यहां पर जो द कार है वो तो नाउन है। कैसे निकाला सर? क्योंकि हमने इसको इंटरोगेट किया है व्हाट से, इसीलिए ये बन गया नाउन। व्हाट का जवाब देने वाला नाउन कहलाता है। मगर यहां पर हमें देखना है ये कहां पर है ये नाउन। सर ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट की जगह है। क्या है? तो इसका मित्रों ये मतलब है नाउन जो है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ सकता है। वेरी गुड। यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब होती है, तो यहां पर वर्ब है। वर्ब से पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, और यही जो सब्जेक्ट हो इसको निकालने के लिए हम व्हाट का उपयोग करते हैं। जब व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट से हम इसको इंटरोगेट करते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है द का। और यही जो मित्रों का है ये नाउन कहलाती है। और यहां पर ये जो बाद में हम देखेंगे इस चीज को हम बोलते हैं डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। तो हमें अब ये बात समझ में आ गई सर, ये जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट की जगह हो सकता है। अब हम दिखाएंगे ये ऑब्जेक्ट कैसे है। हाँ जी, देखिए अब यहां पर देखेंगे हम, क्या ये जो नाउन है ये एज अ फंक्शन करता है एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन को हम सर इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह, उसी को बोलते हैं हम यहां पर नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट। देखिए जी, अगर हम यहां से गौर से देखिए, हाँ यहां देखो, यहां पर मित्रों मैंने लिख डाला आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है। अगर आपको कोई बोले आपके पास क्या है, सर ने लिख डाला आई हैव अ पेन, मेरे पास मित्रों कलम है, तो मैं कहूंगा व्हाट आई हैव व्हाट, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मेरे पास क्या है। तो सर आप बोलोगे, अगर व्हाट का जवाब ऊपर आ रहा है तो सर ये नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, क्योंकि सर ये व्हाट का जवाब मुझे दे रहा है, और व्हाट से जब निकालते हैं तो थिंग निकालते हैं, थिंग भी नाउन कहलाती है, तो यहां पर क्या है? बुक है। वेरी गुड। यही जो बुक है वो नाउन है। असल में हमें क्या देखना, यही जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है। देखिए ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है या नहीं आ रहा। आई यहां पर सर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम अभी इसको वर्ब बोलेंगे, आई हैव वॉच, तो यहां पर जो जिसकी प्लेस है दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो बुक है, मगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन है, तो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। हां देखिए, अब गौर से देखिए, अब मसला है, मसला सजाद है, तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। वेरी गुड। तो ये वर्ब है, तो ये क्या है मित्रों? अगर ये है सजाद इज बिहाइंड द कैमरा, अभी मैं एग्जांपल, सजाद इज बिहाइंड द कैमरा, कैमरा के पार है, उस पार उसके पीछे है, तो ये जो बिहाइंड है तो ये क्या है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये किसका ऑब्जेक्ट है?
तो मसला बढ़ गया। सर यहां पर आपने लिखा सजाद इज बिहाइंड द कैमरा, इसका मतलब है ये जो कैमरा है ये ऑब्जेक्ट है सर। हाँ जी सर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं कहूंगा सजाद कहां पर है, सजाद कहां पे है, कहां कैमरा। अगर ये कैमरा ऑब्जेक्ट है मगर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोर्शन, क्योंकि ये जो बिहाइंड है इट्स प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रपोजिशन। तो यहां पर जो ये है और कैमरा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोर्शन है। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोर्शन है। ठीक है, यहां पर कैमरा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोर्शन, क्योंकि बिहाइंड जो है वो प्रपोर्शन कहलाती है। आया समझ? हाँ अभी देखा। हाँ देखिए, अब यहां से गौर से देखिए। अब तो सर जी हमें समझ आ गया, जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, और यही जो नाउन है ये फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोर्शन। वेरी गुड, आपको समझ आ गया। जरा आप गौर से देखिए इसकी तरफ। यहां पर मैंने लिखा शी तो सब्जेक्ट है, गेव तो वर्ब है। आया समझ? इसको पढ़ते हम वर्ब नहीं बोलते हैं। हाँ जी क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। हाँ नसरीना यू आर राइट, इसको वर्ब बोलते हैं। और यहां पर ये जो मसला मी क्या है, ये बन गया मसला। तो एपेन ये क्या है? तो ये क्या है मित्रों? हाँ इसी को अब हमें समझना। सर हमें समझ आ गया, ऑब्जेक्ट जो है यहां पर ये ऑब्जेक्ट वन है तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट टू है। अब मुझे देखना है ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमें तो देखना है ऑब्जेक्ट तो है मगर कौन सा ऑब्जेक्ट है। इंसान तो है, कौन सा वाला इंसान है? एक्स्ट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है, फिनोमैट है, ज़िनोमैट है? अभी हमें यही देखना है। इलेक्ट्रॉन तो है, किस शेल में है? वैलेंस शेल में है या वैलेंस शेल के बगैर किसी शेल में है? व्हाट इन एसपी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है? सब चीज पढ़ाएंगे। देखिए इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, शी गेव मी ए पेन। अगर मैं बोलूंगा उसने मुझे क्या दिया, शी गेव यहां पर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, उसने दिया। मैं कहूंगा सपोज उसने मुझे पेन दिया। इमेजिन करो यहां पर एक सुंदर नारी सी बैठी है, उसने कहा सर जी लीजिए पेन। मैं कहूंगा किसी को शी गेव मी ए पेन, उसने मुझे पेन दे दिया। क्या दिया? पेन दे दिया। यहां पर देखिए, हां देखो अब यहां पर गौर से देखो। क्या देखो? गौर से देखो यहां पे। हां देखिए जी, यहां पर देखिए शी गेव मी ए पेन, उसने मुझे कलम दे दिया, उसने मुझे कलम दे दिया। वेरी गुड, यहां पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिख डाला ऑब्जेक्ट वन, और यही पर जो मित्रों ए पेन है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू। अब मुझे बोलना है ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट। हाँ जी ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क्योंकि पहले शिवा आता अनस्ट्रेस्ड। हाँ शी गेव मी ए पेन, जो ये मी है ये क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और ए पेन कौन सा ऑब्जेक्ट है? आपके हिसाब से क्या है? शी गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया? गेव, गेव डायरेक्ट लिंक है इसके साथ, देना। उसने क्या दिया? पेन दिया। शी गेव व्हाट, क्या दिया? पेन दिया। यहां पर देखो सुनो, यहां पर देखो शी गेव व्हाट ए पेन, ये जो व्हाट है इस गेव को डायरेक्ट लिंक है पेन के साथ, जो दिया गया वो पेन है, इसीलिए इसको बोलते हैं मित्रों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखो, हाँ याद रखो, याद रखो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव मी, क्या दिया? देने का काम हो रहा है, जो गेव है इसको डायरेक्ट लिंक है इसके साथ, उसने मुझे नहीं दे दिया बल्कि उसने क्या दिया? पेन दिया। मैं कहूंगा शी गेव व्हाट, क्या दिया? पेन दिया। दिस वॉट डायरेक्ट। और जो बच गया, जो बच गया उसी को बोलते हैं मित्रों, हाँ उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने क्या दिया? दैट्स वॉट डायरेक्ट। उसने किसको दिया? यहां पर देखो शी गेव मी ए पेन, अगर मैं ऐसे कहूं Whom she did give a pen? Got it? उसने किसको दिया? मुझे दिया। तो यहां पर जो मी है इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं मित्रों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ गया समझ? यहां पर ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ देखिए अब जी, अब हमारा जो तीसरा है दैट्स कॉल्ड द कंप्लेंट। हाँ कंप्लेंट खाते हो, पीते हो सर जी? हाँ पीते हैं। यहां पर देखो कंप्लेंट आसान, सब्जेक्ट यहां पर है, सब्जेक्ट को जो पूरा करेगा, जो कंप्लीट करेगा उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और यही सब्जेक्ट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आती है, याद रखना। यहां पर ये एक्ट करता है एज अ लिंकिंग वर्ब। शी इज अ गर्ल, वो क्या है? शी इज व्हाट। अगर ये मुझे व्हाट का जवाब दे रहा है
तो सर ये जो है ये नाउन है, क्या है? नाउन है, ठीक है। अगर ये नाउन है तो ये क्या है? गर्ल है, ये इसको कंप्लीट करता है। शी, अगर मैं बोलूंगा शी इज अ तो क्या है? मैं बोलूंगा शी इज अ गर्ल, तो ये जो है यहां पर जो है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और इसी कॉम्प्लीमेंट में हम एक लेक्चर पूरा देंगे। हाँ, बाकी वसल्लम।